स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर भागवत राजस्थान प्रवास पर जयपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि भागवत रेलवे स्टेशन से भारतीय भवन में निकल गए। कुछ देर बाद वहां रुकने के बाद वो दोपहर 2:30 बजे चूरू जाने का उनका कार्यक्रम है। भागवत का रात्रि विश्राम चूरू में रहेगा। भागवत कल 3 जुलाई को सुबह 9 बजे चूरू से रतनगढ़ पहुंचेंगे और सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रतनगढ़ गोलछा ज्ञान मंदिर में तेरापंथ संघ के आचार्य महाश्रमण से वार्ता करेंगे। इसी प्रकार दोपहर 12 बजे रतनगढ़ से चूरू के लिए प्रस्थान कर चूरू में ही रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन 4 से 10 जुलाई तक झुंझुनू में रहेंगे और अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में शामिल होंगे। प्रांत प्रचारक मुख्य बैठक 7 से 9 जुलाई तक रहेगी। बैठक में देशभर के सभी प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक अपेक्षित रहेंगे। डॉक्टर रमेश ने बताया कि प्रांत प्रचारक बैठक में संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले सहित सभी सह सरकार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल, डॉक्टर मनमोहन वैद्य, सी आर मुकुंद, अरुण कुमार और रामदत्त शामिल होंगे। बैठक में संघ के सभी कार्य विभाग प्रमुख और अखिल भारतीय कार्यकारिणी के प्रचारक सदस्य और विविध क्षेत्र के कुछ अखिल भारतीय स्तर के संगठन मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक संगठन संबंधित विषयों पर केंद्रित रहती है। संघ के प्रशिक्षण वर्ग, संघ शिक्षा वर्ग के वृत्त एवं समीक्षा, आगामी वर्ष की कार्य योजना, प्रवास योजनाओं आदि विषयों पर भी बैठक में चर्चा होगी। साथ ही संघ के शताब्दी वर्ष कार्य विस्तार योजना पर भी विचार विमर्श होगा। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत और अपडेट के लिए इस वक्त भवनेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। भवनेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे दौरे को लेकर? जी, जो मोहन भागवत हैं वो प्रदेश को की स्थितियों को लेकर, हिंदुत्व को लेकर यहाँ पे आए हैं कि किस तरह से विचारधाराओं को आगे बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो प्रांत प्रचारकों की बैठक जो करता है इनका, वो बैठक इस बार पहली बार राजस्थान के झुंझुनू में होने वाली है 7 से 9 जुलाई तक। तो उस बैठक की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, वो भी इस पूरे प्रवास के दौरान। जो भागवत है वो वहां पर 3 दिन वहां पर भी रहेंगे। इस बीच उससे पहले कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, प्रचारकों से मिलेंगे, जिससे उस बैठक में जो भी एजेंडा हो वो उस बैठक में रखा जा सके। दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस दौरे के दौरान कई अहम चर्चाएं भी भागवत करने वाले हैं। क्या इसे राजस्थान में होने वाले चुनाव से भी जोड़ के देखा जाएगा? पृष्ठभूमि को मजबूत करने भाजपा की जो कोशिशें हैं उससे भी जोड़कर देखा जाएगा? जी, आरएसएस हमेशा ये कहता रहा है कि हमारा चुनाव से किसी तरह का लेना देना नहीं है। इस बार भी वो यही कह रहे हैं कि ये पूरा प्रवास किसी तरह का चुनाव का चुनाव इसमें समाहित नहीं है, चुनाव की चर्चा इसमें नहीं होगी। किसी तरह का जो राजस्थान में जो स्थितियां पंची उसमें किसी तरह की चर्चा नहीं होगी। केवल संगठन को, संघ को किस तरह से मजबूत किया जा सके, उसकी विचारधारा को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके, इसको लेकर मंथन चिंतन होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। आपको बता दें कि भागवत का यह दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कई जगहों पर भागवत पहुंचेंगे और बातचीत करेंगे, चर्चा विषय पर मंथन किया जाएगा।